Hello students, in our previous classes we have discussed about the some questions related to our chapter force and law of motion in our physics. Okay, today we are going to continue our this chapter through these some numericals, more one or two more numericals. Our chapter is force and laws of motion. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ और क्वेश्चंस को जो अपने पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे. ओके, तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, अपना एक जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि क्वेश्चन ये कहता है कि अ बॉडी moves with a uniform velocity of 10 meter per second for 5 second. कोई एक बॉडी है जो 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से 5 सेकेंड तक मूव करती है. ठीक है, it then decelerates uniformly for 5 seconds. ये 5 seconds के लिए डिसेलरेट्स भी होती है एंड कम टू द रेस्ट. कहता है कि अगर कोई बॉडी मूव्स विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड फॉर 5 सेकंड, 5 सेकंड के लिए कोई बॉडी 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, इफ इट देन डिसेलरेट्स यूनिफॉर्मली फॉर 5 सेकंड, ये 5 सेकंड के लिए डिसेलरेट होती है एंड कम टू द रेस्ट, और क्या हो जाती है, रेस्ट में आ जाती है. देन यू हैव टू फाइंड ए द टोटल डिस्प्लेसमेंट बिफोर इट कम टू द रेस्ट. ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ रेस्ट में आने से पहले. बी को अब क्वेश्चन ये है कि द एवरेज डिसेलरेशन of the body and our question number C, that is if the mass of the body is 5 kg and using average acceleration find the force exerted on the body ठीक है. कहता है कि a body moves with a uniform velocity ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के लिए, 5 सेकेंड के लिए अगर कोई बॉडी 10 मीटर पर सेकेंड की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या कर रही है, मूव कर रही है. ठीक है, इट देन डिसेलरेट्स यूनिफॉर्मली फॉर 5 सेकेंड. डिसेलरेट कितनी हो रही है,
5 सेकंड तक डिसलरेट होती है। डिसलरेट का मतलब क्या होता है, उस पर ब्रेक अप्लाई किया जाता है एंड कम्स टू द रेस्ट, और वो क्या हो जाती है, रेस्ट में आ जाती है। वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल डिस्प्लेसमेंट बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। ये रेस्ट में आने से पहले, मान लो ये कोई बॉडी है और ये किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। 5 सेकंड तक ये मूव की, कितने सेकंड तक मूव की, 5 सेकंड तक कंटिन्यूअसली ये मूव कर रही है। अब इसके बाद यहां पर पहुंचते हैं, इस पर एक डिसेलरेशन फोर्स वर्क कर रहा है जो ये आकर के यहां रेस्ट में आ जाती है, ठीक है। कितने देर तक वर्क करता है, 5 सेकंड तक, 5 सेकंड तक वर्क करता है, और ये किस में आ जाती है, रेस्ट में आ जाती है। कहता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बिफोर कम्स टू रेस्ट, यहां तक आने में इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, द एवरेज डिसलरेशन ऑफ द बॉडी, और इस बॉडी का एवरेज डिसलरेशन कितना हुआ। इफ द मास ऑफ द बॉडी, अगर इस बॉडी का मास मान लो हमें दे दिया गया 5 kg एंड यूजिंग एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन अगर यूज कर रही है, मीन्स एक कंटिन्यूअसली एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, आप कह सकते हो, तो फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी, तो उस बॉडी पर फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन के हमें क्या करने हैं, जवाब देने हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया, तो अब देखो, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, सॉल्व। तो हमारे पास डेटा क्या अवेलेबल है, यूनिफॉर्म इनिशियल वेलोसिटी अवेलेबल है, कितना है u, कितना दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकंड। ओके ओके, टाइम ऑफ जर्नी कितना दिया हुआ है, टाइम ऑफ जर्नी विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इसको अगर मैं मान लो T1, ये कितना दिया हुआ है, 5 सेकंड दिया है ना, ये T1 कितना दिया हुआ है, 5 सेकंड। टाइम ऑफ जर्नी है ये, याद रखिएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ये 5 सेकंड तक मूव कर रही है, दैट इज नोन एज टाइम ऑफ जर्नी विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, ये क्या हो गया, T1। अगर मैं बात करूं इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं मान लूं S1, तो S1 कितना हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम होता है ना, तो वेलोसिटी कितना दिया हुआ है अपने पास, वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 10, और टाइम कितना दिया हुआ है, 5, तो इसका मतलब क्या हो गया कि डिस्प्लेसमेंट अपना कितना आया, 50 मीटर, कितना आ गया डिस्प्लेसमेंट, 50 मीटर, S1 अपना कितना आया, 50 मीटर, समझ में आ रहा है। ओके, अब देखो पेज पलट दे, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। इसके बाद अब देखो, टाइम ऑफ जर्नी विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना होगा, टाइम ऑफ जर्नी विथ यूनिफॉर्म डिसेलरेशन, T2, ये कितना दिया हुआ है अपने पास, 5 सेकंड दिया है ना, और 5 सेकंड तक वो डिसेलरेट होती है, मीन्स उस पर ब्रेक अप्लाई किया जाता है, कुछ दूर तक वो चलती है, उसके बाद उस पर ब्रेक अप्लाई किया जाता है, वो ब्रेक जो अप्लाई किया जाता है कितने देर तक अप्लाई किया जाता है, 5 सेकंड तक। तो क्वेश्चन ये है कि डिस्प्लेसमेंट कितने दूर पर जाने पर वो क्या होगी, रुक जाएगी, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहां पर अपने पास फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी को हम मान लें u2,
ये कितना हो जाएगा, जीरो होगा या नहीं होगा भाई। फाइनल वेलोसिटी यू टू लिख लो या फिर इसको मान लो वी, चलो वी मान लो, वी ये कितना हो जाएगा जीरो, क्यों, ड्यू टू रेस्ट, ड्यू टू रेस्ट किस में आ रही है, रेस्ट में। जब वो बॉडी पर 5 सेकंड तक ब्रेक अप्लाई किया जाता है तो वो बॉडी किस में आ रही है, रेस्ट में आ रही है। तो जब रेस्ट में आ जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। आप इसको क्या लिखोगे, जीरो मीटर पर सेकंड। अब ये मत समझ लेना क्या जीरो अपॉन जीरो मीटर पर सेकंड, ऐसा कुछ नहीं है। ये या तो जीरो लिख लो या फिर लिख सकते हो जीरो मीटर पर सेकंड। भाई मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी होती है। अब देखो यहां से आप निकाल सकते हो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आफ्टर आफ्टर 5 सेकंड कितना हो जाएगा। एक्सेलरेशन ए इक्वल टू क्या होता है, वी माइनस यू अपॉन टी होता है। इज दैट यू अपना कितना दिया हुआ है, यू कितना आया है, कितना दिया है यू, 10 मीटर पर सेकंड। कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहां लिख लो v कितना है, 0 - 10 अपॉन कितना 5, कितना आ जाएगा 2 इक्वल टू -2। क्या है ये अपना एक्सेलरेशन, मींस -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये अपना क्या आ गया, a, मीन्स a इक्वल टू कितना आया, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया एक्सेलरेशन, क्लियर है ना। अब देखो स्टॉपिंग डिस्प्लेसमेंट, स्टॉपिंग डिस्प्लेसमेंट दैट इज एस टू, एस टू कितना हो जाएगा, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यहां टी टी टू होगा। टी टू क्यों होगा, क्योंकि डिसेलरेशन की बात हो रही है, स्टॉपिंग डिस्प्लेसमेंट तो वही होगा ना जिसमें टी टू अप्लाई हुआ है। टी टू का मतलब कि 5 सेकंड तक वो ब्रेक अप्लाई हुआ है, वो अप्लाई होगा। यहां पर अगर मैं इन सबकी वैल्यू रखूं तो यू इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस, माइनस क्यों रखेंगे भाई, डिसेलरेट हो रही है याद रखिएगा। ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू टी कितना दिया हुआ है, 5 का क्या स्क्वायर, ये कितना आया है 2, और यही माइनस यहां पर लिख दिया गया है भाई, प्लस और माइनस, अगर माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा अपना माइनस, ये कितना आ जाएगा 50 माइनस, ये 2 और 2 तो कैंसिल हो सकता है ना, ये कितना आ जाएगा 5 5 जा 25, कितना आ गया अपने पास 50 - 25 = 25 मीटर, मीन्स एस टू अपने पास कितना आ गया 25 मीटर। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब अगर पूछा जाए कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, मीन्स यहां से यहां तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो यहां तक कितना था 50 था, ये कितना आया 25, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 50 + 25 = 75 मीटर, ये आ गया अपना टोटल डिस्प्लेसमेंट, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर बी कहता है, फर्स्ट तो यही पूछा है ना कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, हमने निकाल लिया टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आया 75 मीटर। क्वेश्चन नंबर सेकंड टेल्स अस द एवरेज डिसेलरेशन फॉर द बॉडी, एवरेज डिसेलरेशन, ठीक है। तो बी के लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस
हाफ ए टी स्क्वायर, और इसमें गिवन है, गिवन क्या है, एस इक्वल टू तो हमें पता है 75 मीटर, टी कितना दिया हुआ है 10 सेकंड, भाई टोटल टाइम कितना आया 10 सेकंड, 5 सेकंड जो स्टार्टिंग में लगा था, सेकंड में कितना लगा 5, टोटल टाइम कितना आया 10 सेकंड। अब इसको आप अप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, एस की जगह 75 लिख दो, इज इक्वल टू यू टी मीन्स 10 × 10 प्लस हाफ इंटू ए हमें पता करना है, और टी कितना दिया हुआ है ए टी स्क्वायर है, ठीक है, तो ये टी कितना दिया हुआ है 10 स्क्वायर, कैलकुलेट करो 75 इज इक्वल टू 100 प्लस ये कितना हो जाएगा 10 × 10 लिख सकते हैं ना 10 स्क्वायर को, तो ये खत्म हो जाएगा, ये एक 10 बच जाएगा, 100 प्लस 10a होगा। अब ये 100 10a इक्वल टू क्या लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा, कितना आ जाएगा 5 गलत हो रहा है क्या, हाँ कुछ तो गलत हो रहा है, ये हटेगा यहां 5 आएगा ना, ये कितना हो जाएगा 100, स्क्वायर को हम 100 कर दें तो ये हो जाएगा अपना 50, तो ये हो जाएगा कितना 50a, मींस ये हो जाएगा 50a, तो 50a इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 माइनस 75 माइनस 100 होगा, सॉरी 75 माइनस 100 होगा ना, तो 50a इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 25, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 25 अपॉन 50, और ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2, और इसको आप लिख सकते हो 0.5 आएगा आंसर, और ये एक्सेलरेशन है तो ये किस में लिखा जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, मींस a अपने पास कितना आया 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आ गया समझ में, नहीं आया, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर हुआ, अपने पास जो गिवन डेटा है वो क्या क्या है, एस तो अब हमने कैलकुलेट किया ही है, एस कैलकुलेट किया 75 मीटर आ गया ना, टी इक्वल टू 10 सेकंड, अगर हम 75 एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर इसमें सबकी वैल्यू पुटअप कर दो, वी हैव टू फाइंड ए, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहां पर आपको कंफ्यूजन इसलिए लग सकता है कि टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं 10 × 10 दैट इज 100, तो ये हो गया यहां 100, 2 से 100 कटेगा 50 टाइम्स, ये हो गया 10 × 10 100, 75 इज इक्वल टू 10 × 10 दैट इज 100 प्लस 2 तो कैंसिल हो गया है, ए एंड 50 मल्टीप्लाइड टूगेदर एंड वी गेट 50a, मीन्स 50a अगर मैं इसको यही छोड़ दूं 100 को इधर लाऊं तो 75 माइनस 100 होगा, इज दैट और नॉट, भाई 100 इधर आएगा तो किस में आ जाएगा माइनस में आएगा, यहां प्लस में है यहां माइनस में आ जाएगा, 75 में से 100 माइनस हो जाएगा, 50a इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस 25, 100 में से 75 को क्या करोगे माइनस कर दोगे और इसका सिंबल ले लोगे, होगा ना, तो माइनस 25, तो a इक्वल टू क्या आएगा 50 इज इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लीकेशन हियर, सो इट चेंज इट्स साइड एंड इट विल बी इन डिवाइड, मीन्स 25 अपॉन 50 इट इज 50 एंड 25 इज कैंसिल आउट विथ 50, 25 वन एंड इट विल बी टू, वन अपॉन टू इज कैलकुलेटेड एज 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीन्स एक्सेलरेशन अपना कितना आ गया 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके अब देखो, अब अपना जो थर्ड क्वेश्चन है क्या है अपना, इसमें थर्ड क्वेश्चन रुक जाऊं, अपना जो थर्ड क्वेश्चन है सी दिख रहा है ना, तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है देखो, थर्ड क्वेश्चन कहता है कि इफ द मास ऑफ अ बॉडी इज 5 kg और इसमें हमें निकालना क्या, फाइंड द फोर्स, फोर्स हमें पता करना है, मास कितना दिया हुआ है, एम कितना दिया हुआ है 5 kg दिया है ना,
और हमने कैलकुलेट कितना किया है, ए कितना कैलकुलेट किया है यहां, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ए कितना आ गया, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। और ये जो 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो ये किसमें है, माइनस में, यहां माइनस 1/2 है ना, तो ये भी माइनस है, यहां भी आप लिखोगे माइनस, ठीक है। मीन्स ए किसमें आया है, माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसमें भी मैं लिख लू माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड। अब आप अप्लाई कर दो, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एम ए, मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, यही तो होता है। पुट द वैल्यू ऑफ ऑल दिस, 5 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 0.5, व्हाट वी गेट हियर, कितना आएगा अपना आंसर यहां पर, माइनस 5 जा 25, कितना आ जाएगा, 5 जा 25। और आप एक डिजिट से पहले डेसिमल है, एक डिजिट से पहले क्या करोगे, डेसिमल लगा दोगे। रिजल्ट किसमें है, माइनस में, यहां माइनस लगा दोगे। ये किसमें फोर्स आएगा, न्यूटन में, क्लियर है। ये फोर्स अपना कितना आ गया, माइनस 2.5 न्यूटन। तो देखो बेटा, ये हुआ अपना पहला क्वेश्चन। इस तरह से हम कुछ क्वेश्चंस को डील करेंगे और इन क्वेश्चंस को आप लोगों को थोरोली पिक करना है, ठीक है। कोई भी अगर डाउट होता है आप इसको लगाओ, लगेगा कि हाँ थोड़ा क्रिटिकल है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, आप आसानी से कर सकते हो। पहले आप लोग फ्रस्ट्रेट मत हुआ करो, जो भी आप पढ़ रहे हो उसको आप प्रैक्टिस में लाओ, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके अंदर निखार आएगा, ठीक है। तो कोशिश करो प्रैक्टिस करने की, ओके। देखो एक छोटा सा और क्वेश्चन करते हैं, और वो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लो, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कहता है कि विच वे वुड require a greater force which would require a greater force a 3 kg body accelerates uniformly at rest of 5 meter per second square or a 15 kg body accelerates uniformly at the rate 1 meter per second square। कहता कि which would require a greater force, किस पर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा अगर कोई बॉडी, कोई एक बॉडी है जो 3 kg की बॉडी है, मीन्स m1 कितना दिया हुआ है 3 kg, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट द रेस्ट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन मिला लेते हैं एक बार, एंड 15 केजी बॉडी एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अपने पास दो क्वेश्चन है, यहां देखो अगर मैं इसका सॉल्यूशन लेना चाहूं तो कहता है कि m1 कितना दिया हुआ है 3 kg दिया है ना, और a1 कितना दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, भाई ये है a1, ये है m1, ठीक है। और इसमें ये क्या है m2 और ये क्या है a2, ठीक है। m1 m2 कितना दिया हुआ है 15 kg और a2 कितना दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है ना, बस अप्लाई कर दो
एफ वन इक्वल टू क्या होगा, एम वन ए वन, ये निकाल लो कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, वी गेट हियर 15 न्यूटन। इसको निकालो एफ टू कितना आएगा, एम टू इंटू ए टू, राइट डाउन 15 मल्टीप्लाइड बाई 1 कितना आ गया, 15 न्यूटन। मीन्स एफ वन अपने पास कितना आया, 15 न्यूटन, और एफ टू भी अपने पास कितना आया, 15 न्यूटन। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर ये भी एफ वन भी इक्वल आया, एफ टू भी इक्वल आया, मतलब इसमें रिजल्ट आप क्या लिख सकते हो कि द फोर्स एक्टिंग, क्या लिखोगे, द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज द सेम। मींस अगर कोई बॉडी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वेलोसिटी से मूव कर रही है, 3 केजी की बॉडी है, 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है, आप उसको अगर, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसका क्या है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उस बॉडी का मास कितना है, 3 केजी। अगर 3 केजी की बॉडी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, तो उस पर उसमें जो फोर्स लगाया जाएगा रेस्ट में लाने के लिए, वो उतना ही होगा जितना 15 केजी की बॉडी को, बॉडी अगर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, उस पर आप अप्लाई करोगे, ये दोनों कितना होगा, इक्वल होगा। कर सकते हो ना, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सा डेटा है। यहां से आप क्या कैलकुलेट करोगे, एफ वन, और यहां से आप क्या कैलकुलेट करोगे, इन दोनों डेटा से क्या कैलकुलेट करोगे, एफ टू। समझ रहे हो, एक को आपको एफ वन कैलकुलेट करना है और सेकंड स्टेज में आपको क्या कैलकुलेट करना है, एफ टू कैलकुलेट करना है। ये दो चीजें आपको आनी चाहिए। क्वेश्चन ये है कि विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स, किसमें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, अ 3 केजी ऑफ बॉडी एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट रेस्ट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर 15 केजी बॉडी एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट द रेट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किसमें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा उसको स्टे करने के लिए। आप क्या सीधा सीधा, आपके पास डेटा दिया हुआ है 3 केजी उसका मास है, और एक्सेलरेशन क्या दिया हुआ है, जिस बॉडी का मास 3 केजी है उसका एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिस बॉडी का मास 15 केजी है उसका एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस अप्लाई करो इनके डेटा को, एफ वन निकालो फिर एफ टू निकालो, यू कैन फाइंड आउट द इजिली, एफ वन कितना आएगा 15 न्यूटन, एफ टू भी कितना आया 15 न्यूटन। इफ बोथ फोर्सेस आर इक्वल देन योर आंसर विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज सेम। भाई दोनों इक्वल आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों सेम फोर्स अप्लाई किया जाएगा दोनों पर। ओके, थैंक यू।